हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय आर्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पारितोष सेन के बारे में बताऊंगा। पारितोष सेन जो हैं, ये कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख सदस्य संस्थापक के रूप में रहे हैं और ये कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। पारितोष सेन का जो समय है 1918 से लेके 2008 ईस्वी तक, ये पारितोष सेन का एक फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। पारितोष सेन, इनका जो समय है 1918 से 2008 ईस्वी के बीच। पारितोष सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1918 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, ये ढाका जो है वहां पर इनका जन्म होता है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। पारितोष सेन ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। पारितोष सेन ने पेरिस जाकर किस फ्रांसीसी कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? आंद्रे लोहात से। पारितोष सेन पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण लेने कब गए? तो वर्ष 1949 ईस्वी में। पारितोष सेन का संबंध किस कलाकार समूह से रहा? तो कोलकाता ग्रुप, इसे 43 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा कोलकाता ग्रुप की स्थापना की गई। वर्ष 1949 में कला अध्ययन के लिए पारितोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई? पाब्लो पिकासो। पारितोष सेन चित्रकारी के अलावा और किस कला में रुचि रखते थे? लेखन में। पारितोष सेन को मद्रास कला विद्यालय महाविद्यालय में किस कला शिक्षक का सानिध्य मिला? डीपी राय चौधरी का। पारितोष सेन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित की थी? वर्ष 1941 में इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी। पारितोष सेन के भित्त चित्रों पर किस पश्चिमी कलाकार की कला का प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है? तो पाल गोंग जो हैं, उनकी कला का प्रभाव दिखाई देता है। पारितोष सेन को ललित कला रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2004 में। जिंदा बहार किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? पारितोष सेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिंदा बहार इनकी आत्मकथा है। पारितोष सेन की पहली प्रदर्शनी कब व कहां आयोजित की गई थी? 1935 में कोलकाता में। पारितोष सेन के कुछ प्रमुख चित्र हैं, इनके प्रमुख चित्र गोरिल्ला बहुत ही फेमस है, पेपर पर चारकोल से बनाया गया है। होमेज टू वान गो, कैनवास पर एक्रेलिक से बनाया गया है। पुत्र की मृत्यु पर विलाप करता रावण, मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज सन, काली जैकेट में आत्मचित्र, ये कैनवास पर एक्रेलिक से 2005 में बनाया गया है। आफ्टर द साइक्लोन, कैनवास पर एक्रेलिक से बना है। संगीतज्ञ, ये कैनवास पर एक्रेलिक से 2005 में बनाया गया है। सरोद वादक, शरणार्थी रिफ्यूजी, होली, वुमेन ईटिंग भुट्टा, द बाबू 1956 में बनाया गया है। नारियल बेचने वाला 1996 में बनाया गया। द सारंगी प्लेयर, कैनवास पर तैल रंग से बना है ये। मैन विथ हुक्का बहुत ही फेमस है ये, बोर्ड पर तैल रंग से बना है। थ्रू द लेंस मेलो 2001 में बनाया गया है। वुमेन सेलिंग कॉर्न, वुमेन कटिंग ए फिश, मदर एंड चाइल्ड, मालवा की महिलाएं, संथाल नृत्य, ये सब इनके कुछ चित्र हैं। इन चित्रों को अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चित्र है शरणार्थियों, जो कि 1906 में बनाया गया है। एक और चित्र आप यहाँ पे देख लीजिए, शीर्षक विहीन अनटाइटल है, जोर दे बांसुरी, ये देखिए 1951 में ये बनाया गया है। भारत के बनारस में बारिश, देखिए ये बनारस में बारिश का कुछ दृश्य, 1962 में ये बनाया गया है पारितोष सेन के द्वारा। ये एक चित्र है होली, जो कि 1990 में ये बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पे देखिए,
शीर्षक विहीन है, जो कि 1995 में बनाया गया है। आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट ये बनाया गया 1999 में पारितोष सेन के द्वारा। एक और चित्र यहाँ पे आप देखिए, महिला भुट्टा खा रही है, सन 2000 में इसको बनाया गया है। युवा लड़की साबुन के बुलबुले बना रही है, ये 2001 में इसको बनाया गया है पारितोष सेन के द्वारा। एक और चित्र यहाँ पे, दिलरुबा प्लेयर या कुमुंडिन, ये 2005 में बनाया गया है। स्थिर वस्तु चित्रण, ये 2005 में बनाया गया है पारितोष सेन के द्वारा। फलों और सब्जियों के साथ स्थिर जीवन, 2005 में इसको बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पे देखिए, महिला, 2007 में बनाया गया है। यहाँ पे एक और चित्र है, जयश्री सेन का ये चित्रण किया गया है। सेलफोन के साथ गर्भवती महिला, एक चित्र और यहाँ है, रावण अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मना रहा था। मेघनाद की मृत्यु जब हो जाती है तो ये पारितोष सेन के द्वारा चित्रित किया गया है। एक यहाँ पे और चित्र है, शीर्षक विहीन अनटाइटल। यहाँ पे एक और चित्र आप देखिए, औरत मक्का बेच रही है, बहुत ही फेमस चित्र है ये, देख लीजिए। मधुचंद्रिका, ये पारितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पे है, शीर्षक विहीन अनटाइटल। लड़का किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे एक और चित्र आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से पारितोष सेन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।